एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खाला जी भरके। आज मैं आई हूँ अपने कॉलेज जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है अपनी फ्रेंड के साथ, जिसके साथ मैंने कुछ 3 साल निकाले हैं और अब टोटल हम एक दूसरे को 6 सालों से जानते हैं। और मेरी बाकी फ्रेंड्स भी जिनको मैं 6 सालों से जानती हूँ, तो उनके साथ मतलब मैं डिग्री लेने आई हूँ, अपनी डिग्री आ चुकी है। और डिग्री लेने के बाद हम जाएंगे कहीं घूमने, तो देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड। तो मैंने अपनी डिग्री की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मेरे कॉलेज का नाम है माता सुंदरी कॉलेज। और ये कॉलेज से जो बाराखंबा मेट्रो स्टेशन है ना, वो सबसे पास में पड़ता है। और ये स्टेशन से और ये जो फ्लाईओवर है, इससे मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। ऑटो में बैठ के कॉलेज तक का सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है और ये देखो मेरा कॉलेज आ भी गया। तो ये गर्ल्स कॉलेज है और यहाँ मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। अगर मैं याद करूँ तो ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था। लेक्चर लेके कैंटीन में बैठ जाना, फिर लेक्चर्स अटेंड करके सीधा घर चले जाना। वाओ, आई मिस दैट सो मच। यहाँ की वाइब भी कुछ अलग है। डिग्री लेने से पहले मैं आप सबको अपनी फ्रेंड्स से मिलवाती हूँ। एक बारी हाय बोल लो सारे। ये मुड़ मुड़ के देख रही है। चलो चलो चलो, ये है हमारी कॉलेज की कैंटीन जिसपे आधे से ज्यादा टाइम हमने बिताया हुआ है। सिमरन हटिया, खुशबू आ रही है, वाह ये अभी भी कितनी सुंदर है। सब मंगवा ले। अब ये हमारी कॉलेज की चौमिन है जिसमें 4 चम्मच इन्होंने दिया, पर हम 5 जाने हैं। जाने देखो टेस्टी लग रही है ना, टेस्टी लग रही है ना, देखो। अरे वाओ, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, आपको लाल पेपर। और ये सब बैठे हैं खाओ, ये लो खाने के लिए। बर्थडे मेरा है और ये मनाती हुई नाचती हुई। आओ बेटी, आओ बेटी। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। चम्मच ही दिख रहे हो भाई, पास्ता तो कम लग रहा है इसमें। हमारे कॉलेज का पास्ता, थैंक यू। पास्ता भी टूट पड़े हैं, ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है। आज हम बहुत टाइम बाद कॉलेज के क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसको इतना ही नहीं पता। पास्ता सवार लिया मन ने, अब हम खा रहे हैं पास्ता। चिली पटेटो मांगे थे एज यूजुअल, इनके पास होते ही नहीं है। और वहाँ पे लिख के लगा रखे हैं। अच्छा है पास्ता, पर मीठा बहुत है, पता नहीं मीठा क्या डाला है इन्होंने। चाउमीन पर बहुत अच्छी है। डिग्री ले लिया हमने और अपने फोल्डर पे भी ग्रेजुएट हो गया। हम वो भी हो गए पोस्ट ग्रेजुएट, उसकी बात नहीं हो रही, हम ग्रेजुएट हुए हैं, डिग्री मिल गई हमें। अब बना रही थी और मेरे फैंस इतने अच्छे हैं। आप कुछ कहना चाहोगी? आपको मेरा चैनल कहाँ पे मिला? तो जैसे कि मैंने कहा था, डिग्री लेने के बाद हम सब घूमने जाएंगे। तो हम आ चुके हैं कनॉट प्लेस, जो मेरे कॉलेज के बहुत पास में है। यहाँ भी हम आफ्टर कॉलेज कभी कभार आया करते थे। तो मेरी फ्रेंड अमन ने सजेस्ट किया कि कैफ़े हॉकर्स चलते हैं, तो हम सब यहाँ आए हैं। ये बाहर से देखने में कितना सुंदर है, सो लेट्स गो इनसाइड। काफ़ी अच्छा ग्रीन ग्रीन सा एम्बियंस है इनका। और ये देखो, इन्होंने केक्स और पेस्ट्रीज भी रखी हुई हैं। तो ये कैफ़े है ब्लॉक L, बिल्कुल इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पीछे। काफ़ी बढ़िया बढ़िया आइटम्स हैं इनके मेन्यू में। शक्लें नहीं अच्छे बना रहे, मतलब बना लो बस, यही बना लो। तो हाँ बोलो। तो आज हमारे यहाँ आज हम करने वाले हैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट। मेरा बर्थडे आपसे 8 डेज है, बट वो आज
आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं बिकॉज हम डिग्री लेने के लिए आफ्टर 2.5 इयर्स के बाद। यस, इसने मेरे से ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया है। अब मैं और सिमरन आए हैं अमन का बर्थडे केक लेने। कितने सारे बढ़िया बढ़िया केक्स और पेस्ट्रीज हैं इनके पास, है ना? अगर हमारी आवाज़ आ रही है तो अमन का ना बर्थडे है नेक्स्ट वीक, तो हम ना उसके लिए केक लेने आए हैं। अगर मैं दिखा सकूँ आप सबको, ये देखो कितने सुंदर सुंदर केक है ना। हमने लिया इसका फ्रूट वाला केक लिया, अंदर से ऐसा होगा। बाकी हम मतलब कन्फ्यूज थे कसाटा लेना चाहिए या क्या, बट आई वॉज लाइक फ्रूट केक ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसको भूख लग रही है या अभी से काट ही छोड़ा गिलास काटने के चक्कर में। तुम्हारी पहली आइटम पेरी पेरी फ्राइज आ गए हैं, देखो ये देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं। और देखते देखते हमारी दूसरी आइटम भी आ गई है, चीजी नाचो। वेरी गुड अमन, यार सर को तो मेरे को हर जगह लेके जाना चाहिए, इतनी सपोर्टिव है तू। ये देखो बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं बेचारे, ये खा नहीं पा रहे। और हमारी थर्ड आइटम भी आ गई है, शेजवान मोमोज। ये सारी चीजें देखने में कितनी टेस्टी लग रही हैं। अब मैं कहीं बाहर आऊं और पिज्जा ऑर्डर ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है? तो ये है स्मोकी ग्रिल्ड पनीर पिज्जा, लेट्स ट्राई दिस। ये पिज्जा काफी अच्छा था और इसकी क्रस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, और चीज पुल तो आप देख ही रहे हो कितना ज्यादा आया है। मैं किसी कैफे या रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो उनको बोलती हूँ हमेशा कि ज़्यादा ज़्यादा चीज़ डालें, बिकॉज आई लव चीज़। अब ट्राई करते हैं इनके डेजर्ट शेक्स, जो देखने में बहुत ज़्यादा लोडेड और फिलिंग लग रहे थे। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना आपको शेक्स पीना पसंद है कि मॉकटेल्स। मेरे को तो दोनों चीज़ें पीना बहुत पसंद है। चलो बारी बारी सारे शेक्स ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी रेड वेलवेट शेक, क्योंकि मेरे को रेड वेलवेट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये इसकी जो पेस्ट्री थी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, मेरे को डर था ये कहीं गिर ही ना जाए, बट ओवरऑल ये टेस्टी था बहुत ज़्यादा, मतलब मज़ा आ गया था ये पी के। तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं ब्राउनी शेक। ये शेक बहुत ज़्यादा थिक था और मतलब अच्छा था इसका फ्लेवर, बिल्कुल चॉकलेटी सा। तो ये जो रेनबो शेक है ना, ये देखने में सबसे ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। मतलब अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी हैं तो आपको पता है कि मेरे को रेनबो वाली चीज़ें काफ़ी पसंद है। लास्ट था डोनट शेक, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब इतना सारा मीठा हो गया था तो हमने एंड में मंगवाए सुपर स्पाइसी चिली पोटैटो, जो एक्चुअल में बहुत स्पाइसी थे। 1 2 3 टेस्ट भी करके देखो सारे कैसा है बताओ, स्पाइसी है कि नहीं? Now let's cut Aman ka birthday cake. To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. तुमको तुम्हारे जन्मदिवस की के जब भी है हमारी तरफ से अपने केक की खुद ही फोटो ले लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो डू गिव इट अ लाइक और कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।